नमस्कार आदाब, मैं मोहसिन खान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपना सुल्तानपुर चैनल पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर पूरे देश में बिसात बीत चुकी हैं। इसी क्रम में सुल्तानपुर में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पिछले दिनों बसपा ने सुल्तानपुर की पांचों विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की, तब से ही लोगों में सपा और भाजपा के उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। बसपा की सूची जारी होने के बाद सुल्तानपुर की पांचों विधानसभाओं में सपा और भाजपा के उम्मीदवारों को लेकर कयासों का दौर तेज हो चला। इसी के साथ सपा ने भी सुल्तानपुर के पांचों विधानसभा सीटों में से चार सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। सबसे पहले बात करते हैं 188 विधानसभा सुल्तानपुर की, तो पूर्व विधायक अनूप संडा जो कि 2007 और 2012 में सपा को यहां से जीत दिलाने में कामयाब रहे थे, सपा ने उन पर दाव खेला है। अब बात करते हैं 189 सदर विधानसभा की, जिसे 2009 से पहले जयसिंहपुर विधानसभा के नाम से जाना जाता था, जहां से सपा प्रत्याशी 2012 में अरुण वर्मा थे और सपा को जीत दिलाई थी। 2017 में भी अरुण वर्मा थे पर 2017 में सपा को हार मिली। इस बार भी सपा ने 2022 में भी अरुण वर्मा पे ही भरोसा जताया है। अब बात करते हैं विधानसभा 190 लम्बुआ के बारे में। यहाँ से पूर्व विधायक संतोष पांडे जो कि अखिलेश के बहुत करीबी माने जाते हैं, सपा की तरफ से ताल ठोकेंगे। 191 कादीपुर विधानसभा जो कि आरक्षित सीट है, यहां से सपा की तरफ से भगेलू राम हुंकार भरेंगे। आपको बता दें भगेलू राम के बारे में तो ये इससे पहले बसपा में थे। अब बात करते हैं सुल्तानपुर की पांचों विधानसभा सीटों में सबसे चर्चित विधानसभा सीट 187 के बारे में। चर्चित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2017 के विधानसभा इलेक्शन में जब मोदी लहर थी, जहां सुल्तानपुर की पांचों विधानसभा सीटों में से चार विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा था, वहीं एक मात्र ऐसी सीट थी जिस पर सपा का कब्जा था। ये मात्र एक ऐसी सीट थी 187 विधानसभा जिसे सपा की तरफ से इब्रार अहमद जीते। इसी के साथ इसौली विधानसभा 187 पर सपा की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, किस प्रत्याशी पे सपा यहां से दांव खेलेगी, किस प्रत्याशी पे सपा यहां से भरोसा जताएगी, जितने भी प्रत्याशी के नाम आ रहे हैं, चाहे वो इब्रार अहमद हो, मोहम्मद ताहिर खान हो या फिर बीएम यादव हो, आपको क्या लगता है 187 इसौली विधानसभा से सपा का कैंडिडेट कौन होगा, हमें कमेंट करके बताएं। अगर यह वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।